Yes, I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 6 सब्सिडरी बुक्स। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं टेक्स्ट बुक में से एग्जांपल नंबर 4। टेक्स्ट बुक यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक नहीं है एक्सरसाइज में आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर। तो मैंने स्कूल में से ऐसा पैम्फलेट दिया है, पैम्पलेट में आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 4। पैम्पलेट में पेज नंबर है 103, टेक्स्ट बुक में जो भी पेज हो यदि टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पैम्पलेट में देखेंगे तो डायरेक्ट नीचे आंसर भी दिया है तो डायरेक्ट आप आंसर देखेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में मैं पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा, आपको देखना है। बाद में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, पहले एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। प्रीपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ श्री सुरेश, आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ श्री सुरेश। पॉलिसी बुक बनानी है, परचेज बुक, परचेज बुक कैसे होनी चाहिए यहाँ पे देखिए, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, LF लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट। फर्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दीपक ऑन वर्क ऑन 1 month क्रेडिट, ये क्रेडिट परचेज है, परचेज ऑफ गुड्स, यस इट इज रिकॉर्डेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो बाजू में आपको राइट मार्क करना है यहाँ पे आने वाला। सेकंड थर्ड डेट को है परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सरदार स्टोर एट 10% रेट डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 116, यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर भी लिखेंगे, ये भी परचेज है, परचेज ऑफ गुड्स है तो लिखेंगे, मगर आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, लेस करने के बाद नेट फिगर जो भी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। अगेन है सेवंथ को देखिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश, इट इज कैश परचेज, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो यहाँ पे नोट में लिखना पड़ेगा डेटेड 7th of October कैश ट्रांजेक्शन therefore नॉट रिकॉर्डेड। आगे प्लेस एन ऑर्डर विथ राजेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ₹20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट, हमने ऑर्डर प्लेस किया है, इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो नीचे लिखना पड़ेगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन therefore नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक्स। आगे है 15 के बाद 20th, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹16,000 फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट ऑन 1 month क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ओनली परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट परचेज होगा तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन 21st को देखो, राजेश हैज सेंड गुड्स एज पर अवर ऑर्डर एंड सेंड इनवॉइस रूप नंबर 350 आफ्टर एडिंग ₹1,000 फॉर रेलवे फ्रेट, ये रेलवे फ्रेट है वो आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा अलग से, कहाँ पे लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में। यदि कॉल्यूमर कैश बुक, कॉल्यूमर परचेज बुक होती तो मैं वेजेस फ्रेट सबका जो एक्सपेंस का भी जो कॉलम होता तो वहां पे लिखता, मगर इसमें हम नहीं लिख पाए। नेक्स्ट वन 21st के बाद है 24th, परचेज गुड्स ऑफ ₹14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट, 24th में नेम ऑफ सप्लायर इज नॉट गिवन, इट मींस इट इज कैश ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट वन 25th देखिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम नीलेश एट 10% रेट डिस्काउंट, हाफ ऑफ अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक, हाफ अमाउंट कैश है हाफ क्रेडिट, तो आपको क्या लिखना है, फुल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मगर ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस करना पड़ेगा। 26 को देखिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम चिराग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट पेड इमीडिएटली, इट इज कैश ट्रांजेक्शन therefore it is not recorded in purchase book. Last one, 30th October को देखिए, purchase goods of ₹40,000 from Nitin, invoice number 151, yes ये credit purchase है, इसलिए purchase book में हम entry करेंगे। तो चलो example करते हैं start, सबसे पहले आपको ऐसी purchase book draw करनी पड़ेगी, बाद में देखिए 2018, कौन सी date है, October 1st,
आपको ऐसा लिखना पड़ेगा परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 month क्रेडिट, यस इट इज परचेज। तो यहाँ लिखेंगे दीपक अकाउंट, कितना लिखो बोलो दीपक अकाउंट। अच्छा दीपक का स्पेलिंग ऐसा नहीं लिखा है, बी आई दीपक लिखा है, ऐसा लिखो आप दीपक अकाउंट। कितने अमाउंट दी है आपको 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया, तो अमाउंट लिखेंगे 10,000। अगेन थर्ड को देखिए, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम सरदार स्टोर एट 10% रेट डिस्काउंट इनवॉइस नंबर 116। ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड को, किससे परचेज किया सरदार स्टोर, तो यहाँ पे लिखेंगे सरदार स्टोर से काम। बिल नंबर आपको लिखना है, इनवॉइस नंबर में बिल नंबर आने वाला है 116 एंड अमाउंट 10% रेट डिस्काउंट लेस करने के बाद 20,000 माइनस 10% 2,000 लेस करेंगे, फाइनल अमाउंट हो जाएगी 18,000। अगेन सेवन को देखिए, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 17,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनने का बाद में, ऐसा है तो वीडियो पॉज करके आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अक्टूबर 7th ट्रांजेक्शन इज कैश ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। नेक्स्ट 15 को देखिए, प्लेस ऑर्डर विथ राजेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स रुपीज 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट, ये भी डेटेड 15th ट्रांजेक्शन इज नॉन इकोनॉमी देयरफॉर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। नेक्स्ट 15 के बाद आपको लिखना है 20th परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 16,000 फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट, तो वहां पे आपको लिखना है परचेज ऑफ एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, नीचे आपको लिखना पड़ेगा ये सर। नेक्स्ट 21st को देखिए, राजेश हैज सेंट गुड्स एज पर अवर ऑर्डर एंड सेंट इनवॉइस नंबर 350 आफ्टर एडिंग रुपीज 1,000 एज ए रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा, एंट्री जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपने अलग से आप कैश पेमेंट किया है तो कैश, अदरवाइज रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू पंसा राजेश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा राजेश ने गुड्स भेजा है, इटमीन्स हमने परचेज किया है, ऑर्डर जो दिया था एज पर ऑर्डर, तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखेंगे 350। ऑर्डर में देखिए कितने का ऑर्डर हमने प्लेस किया था, 20,000 का गुड्स 10% था ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 माइनस करेंगे 10% पीबी, ये हो जाएगा 2,000 लेस 18,000 की एंट्री होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18,000। डेट कौन सी है, कौन सी डेट पे आपको गुड्स रिसीव हुआ है 21st, तो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे 21st। आगे 24th को देखिए, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट इट इज कैश ट्रांजेक्शन, तो नीचे नोट में लिखना पड़ेगा डेटेड 24th ऑफ अक्टूबर कैश ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आगे 24th के बाद 25th देखिए, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम मिलेज एंड 10% रेट डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक, हाफ अमाउंट कैश है हाफ अमाउंट क्रेडिट है, इट मींस हाफ अमाउंट क्रेडिट है फिर भी आपको फुल वैल्यू कहां पे लिखना पड़ेगा परचेज बुक में, एजम्पशन एज फुल अमाउंट इज क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पार्टी क्या है नीलेश, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नीलेश अकाउंट, कितना लिखो बिल नंबर दिया है नीलेश में, यस बिल नंबर इज नॉट गिवन, मगर 30,000 का गुड्स था 10% रेट डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 27,000। नेक्स्ट वन डेट है 25th, अगेन देखिए 26th में क्या है, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 फ्रॉम चिरा एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट पेड इमीडिएटली, ये कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन का आपको नीचे नोट लिखनी पड़ेगी डेटेड 26th ऑफ अक्टूबर कैश ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। 30th को देखिए, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 फ्रॉम नितिन इनवॉइस नंबर 151, यस ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नेम ऑफ नितिन इज गिवन, तो यहाँ पे लिखेंगे 30th नितिन अकाउंट,
इनवॉइस नंबर इज गिवन 151, अमाउंट दिया है आपको 40,000, बस हो गया। अब करना है आपको टोटल, यहां पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज, यहां पे टोटल क्रेडिट परचेज टोटल हो जाएगा 113 आई थिंक 113,000। नोट आप सबको जो मैंने एक्सप्लेन की है नोट ऐसी यहाँ पे आपको नोट लिखनी पड़ेगी। ओके, ये एग्जांपल यहाँ पे हो गया है एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 5, मगर 5th एग्जांपल थोड़ा बड़ा है। सिमिलर एग्जांपल आपको सिर्फ देखना है, एग्जाम में कैसे एग्जाम्पल आने वाला है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर के बाद। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, बस 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में आपका ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर ये पैम्फलेट में पेज नंबर है 104 पे, टेक्स्ट बुक में जो भी पेज नंबर होगा वहां पे आपको देखना है, क्योंकि जिसके पास पुरानी टेक्स्ट बुक होगी उसका पेज अलग होगा, जो नई टेक्स्ट बुक है वहां पे भी पेज नंबर अलग होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स प्रिपेयर कॉल्यूमनर परचेज बुक। देखिए आपको कॉल्यूमनर परचेज बुक बनाना है, श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद टीवी रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, तो आपको 3 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, सबसे पहले टीवी, बाद में रेफ्रिजरेटर एंड बाद में वॉशिंग मशीन, ये है आपका टोटल कॉलम। तो देखते हैं फर्स्ट वन 2018 में फर्स्ट परचेज 10 टीवी सेट एट रुपीज 30,000 ईच, ये पर टीवी सेट रेट आपको दिया है 30,000। 5 रेफ्रिजरेटर एट रुपीज 15,000 पर पीस एंड 2 वॉशिंग मशीन एट रुपीज 18,000 पर पीस फ्रॉम दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स क्रेडिट पीरियड 1 मंथ इनवॉइस नंबर 100। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 2018 कंसिडर है मई फर्स्ट, दया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दया इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, बिल नंबर इज गिवन, इनवॉइस नंबर इज गिवन 100, यहाँ पे मैं लिखूंगा 100। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीवी के लिए, देखिए कितने टीवी सेट आपने परचेज किए हैं, 10 टीवी सेट, तो यहाँ पे देखिए टीवी 10 पर टीवी था 30,000, ये हो जाएगा टीवी में आपको लिखना है 3,00,000। टीवी के बाद रेफ्रिजरेटर है 5 पर पीस लिखा है 15,000, तो 5 × 15,000 ये हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का, ये होगा 75। एंड वॉशिंग मशीन के लिए नंबर ऑफ पीस 2, वॉशिंग मशीन 2 × 18,000 यानी कि हो जाएगा 36,000। ये तीनों का टोटल 411,000, ये तीनों का टोटल 3 + 3 + 3 टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट वन अब देखिए 7, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, परचेज फ्रॉम तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर 5 pieces टीवी एट रुपीज 25,000 पर पीस, 10 रेफ्रिजरेटर एट रुपीज 16,000 पर पीस एंड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, रिसीव इनवॉइस नंबर 151, हाफ ऑफ अमाउंट पेड इमीडिएटली, हाफ अमाउंट कैश है हाफ अमाउंट क्रेडिट है, तो आपको क्या एजम्पशन करना पड़ेगा, फुल ट्रांजेक्शन वुड बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7th को, नेम क्या है श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स अकाउंट, इनवॉइस नंबर आपको दिया है 151, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करना है। सबसे पहले है टीवी, तो टीवी के सामने लिखता हूँ कितने पीस है 5 पीस, पर पीस कितना है 25,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस करेंगे 10,
कैलसी में आपको ऐसा लिखना है 5 × 25,000, बाद में माइनस की साइन प्रेस कीजिए, बाद में 10 लिखिए, बाद में परसेंटेज की भी साइन होगी वो प्रेस करें, ये तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा 112,500। नेक्स्ट वन, टीवी के बाद दूसरा क्या परचेस किया है तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, रेफ्रिजरेटर है 10 रेफ्रिजरेटर पर पीस रेट दिया है आपको 16,000, माइनस 10% ये हो जाएगा 144 का रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन हमने परचेज नहीं किया, ये दोनों का टोटल होगा 256,500। ये मैं कहां से लाया हूं, अगेन कैल्सियम को 5, बाद में मल्टीप्लाइड की साइन, बाद में 25,000, बाद में माइनस साइन, बाद में 10 लिखना है और बाद में परसेंटेज की साइन होती है वो प्रेस कीजिए, तो डायरेक्ट अमाउंट आपको मिलेगा। यहाँ पे भी 1010 मल्टीप्लाइड बाई 16,000, बाद में माइनस साइन, बाद में 10 और परसेंटेज की साइन कैल्सियम में होती है वो प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 144। सेवंथ के बाद दिया है आपको 12th क्या है, परचेज साइकिल ऑफ ₹5,000 फ्रॉम श्री अंबे साइकिल मार्ट, साइकिल पर साइकिल ओनली परचेज ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है तो टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब उसके लिए गुड्स है, तो ये हम लिखेंगे मतलब परचेज ऑफ साइकिल, साइकिल इज एसेट, इतनी साइकिल की एंट्री नहीं होगी, आपको नीचे लिखना पड़ेगा परचेज ऑफ साइकिल, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आगे लिखा है 20th को परचेज 5 रेफ्रिजरेटर्स एट ₹20,000 पर पीस एंड 10 वॉशिंग मशीन एट ₹15,000 पर पीस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट श्री आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रॉम आत्माराम से हमने परचेज किया है एंड अमाउंट पेड इमीडिएटली, पेमेंट हो चुका है, एक कैश ट्रांजेक्शन है तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा डेटेड 20th में कैश ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए 25th को प्लेस एन ऑर्डर टू श्रीमती बबीता फॉर सप्लाइंग 20 पीसेस ऑफ टीवी एट ₹28,000 पर पीस एंड 6 पीसेस वॉशिंग मशीन एट ₹21,000 पर पीस, ये सिर्फ हमने ऑर्डर दिया है, प्लेस एन ऑर्डर इज एन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, डेटेड 25th में प्लेस एन ऑर्डर इज नॉन इकोनॉमी ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आगे है 31st को फ्रॉम श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर परचेज 5 टीवी सेट एट ₹30,000 पर पीस, 5 वॉशिंग मशीन एट ₹23,000 पर पीस, ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, इनवॉइस नंबर 123, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो ये आपको लिखना पड़ेगा 31st को, क्या लिखूंगा, श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अकाउंट बिल नंबर इनवॉइस नंबर दिया है 123। अब देखिए इंपॉर्टेंट अगेन, क्या परचेज किया है आपने, सबसे पहले 5 पीसेस ऑफ टीवी और टीवी 5 × पर पीस कितने में परचेज किया है, ₹30,000 पर पीस, तो ₹30,000 माइनस कितना ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो माइनस करेंगे 10, 5 × 30 माइनस 10 करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 135। ओके, सेकंड और क्या परचेज किया है, एंड 5 वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे डैश वॉशिंग मशीन के सामने कितने 5 पर पीस कितने में परचेज किया है आपने, 23,000 पर पीस, तो यहाँ पे 23,000 माइनस 10% कैलसी में करेंगे तो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा 103,500, ये दोनों का टोटल 238,500।
बस हो गया। नेक्स्ट वन बाद में आपको करना पड़ेगा टोटल, ये तीनों कॉल चारों कॉलम का टोटल करेंगे, टोटल क्रेडिट परचेज यहाँ पे लिखेंगे, टोटल क्रेडिट परचेज ये तीनों का टोटल होगा 547,500, यहाँ का टोटल होगा 9, 5 + 4 9, 7 + 4 11, 1 2 19 एंड लास्ट कॉलम का टोटल होगा 139,500। ये तीनों का टोटल या तो ये तीनों का टोटल आंसर एक ही होगा 906,000। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट। मगर एग्जाम में जो एग्जाम्पल आने वाला है वो मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक या दो क्वेश्चन बाद में जब कल करेंगे तब भी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक या दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जाम के लिए आपको देखना है पेज नंबर, या आ जाओ, ये पैम्पलेट में है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिमिलर एग्जाम। तो पैम्पलेट में देखिए पेज नंबर आपको देखना है 120 पे, एग्जाम्पल नंबर 3। बस एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन होंगे तो अभी मैं आपको ये दो क्वेश्चन आज एक्सप्लेन करके देता हूँ। देखिए, प्रिपेयर नेसेसरी सब्सिडरी बुक्स फ्रॉम द गिवन बिलो ट्रांजेक्शन, 3 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन होगा। प्रिपेयर, फर्स्ट लिखा है परचेज बुक इन बुक्स ऑफ सुरेश फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, परचेज बुक आपको प्रिपेयर करनी है तो नीचे आंसर भी आपको देखना है। 2019 अक्टूबर 1st परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दीपक, नेम गिवन, इट मीन्स इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज बुक में आप लिख सकते हैं। देखिए नीचे दीपक अकाउंट 10,000 दिया है। अगेन परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सरदार स्टोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 116। तो ये लिखा, देखिए सरदार स्टोर अकाउंट इनवॉइस नंबर दिया है 116, 18,000 क्यों मैंने लिखा है, 20,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट मैंने क्या किया है, लेस हो गया 18,000। सेवन को देखिए, परचेज गुड्स ₹18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश, ये कैश परचेज है तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा एक लाइन, क्या लाइन लिखेंगे, ऑन अक्टूबर 7 कैश परचेज, देयरफॉर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बस टोटल कीजिए, एग्जाम्पल हो गया खत्म, 3 मार्क्स का सिमिलर एग्जाम्पल होगा। सेकंड एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं आज के, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर परचेज बुक इन बुक्स ऑफ जयदेव फॉर 2019, तो नीचे देखिए परचेज बुक ऑफ श्री जयदेव, फर्स्ट वन मार्च 10 प्लेस एन ऑर्डर विद कुमार फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ₹25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा ऑन मार्च 10 नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आगे 13 को कुमार सप्लाइड गुड्स एज पर ऑर्डर एंड सेंड एंड हिज इनवॉइस नंबर 444 आफ्टर एडिंग 12% जीएसटी, जीएसटी को आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा, यदि आपने कॉल्यूमनर बुक बनाई है तो जीएसटी आप सेपरेट लिखेंगे अलग कॉलम में, यदि कॉल्यूमनर नहीं है तो जीएसटी कहाँ पे लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में। मगर कुमार ने गुड्स भेज दिया है, कितने का गुड्स भेजा होगा, 25,000 में से 10% लेस किया होगा 22,500, तो हम लिखेंगे कुमार अकाउंट इनवॉइस नंबर 444 अमाउंट लिखेंगे 22,500, जीएसटी कहाँ पे लिखेंगे, यदि हमने कॉल्यूमनर ऐसी बनाई है तो अमाउंट जीएसटी में सी जीएसटी एस जीएसटी या तो आई जीएसटी जो भी होगा वो हम कॉलम बनाएंगे, मगर अभी बाकी है इसलिए जीएसटी कहाँ पे लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में। आगे लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹6,000 फ्रॉम समीर एट 10% कैश, ये कैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, बिल नंबर 505 क्योंकि क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज 6,000 हम लिखेंगे, समीर अकाउंट 505 6,000 टोटल क्रेडिट परचेज हो गया 28,500। देखो नीचे नोट लिखी, डेट 13 इनपुट सी जीएसटी 1350 इनपुट एस जीएसटी 1350 विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, ये परचेज बुक क्योंकि सिंपल परचेज बुक है इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। बस यहाँ से जो थर्ड एग्जाम्पल है वो भी मैं रोज दो एग्जाम्पल लेक्चर में यहाँ पे करवाऊंगा टेक्स्ट बुक का, और दो एग्जाम्पल ऐसे है जो मैं आपको
वैसे ही एक्सप्लेन करके दूंगा जो एग्जाम में आ सकता है सिमिलर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।